नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे और प्रसन्न होंगे। 20-21 दिसंबर मिथुन राशि का राशिफल लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। तो सबसे पहले जानेंगे 20 दिसंबर का शुभ अशुभ समय। तो 20 तारीख का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:58 से 12:39 तक, और राहु काल रहेगा 13:35 से 14:51 तक, और 21 दिसंबर का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:58 से 12:39 तक, और राहु काल रहेगा 11:02 से 12:19 तक। तो राहु काल में आपको नहीं करना है कोई शुभ काम, और अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं कोई भी शुभ काम, नया शुभारंभ, और उसके फलों को आप बढ़ा सकते हैं। शुभारंभ करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, घंटी वाले निशान को अवश्य दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ बिल्कुल मुफ्त में। आप सभी लोगों के लिए चैनल की तरफ से दी जाने वाली सभी मुफ्त सुविधाएं इस प्रकार है। प्रतिदिन 11:00 से लेकर 11:30 के बीच आप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर मुझसे बात, और जहां पे मैं दूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर निशुल्क। सुविधा नंबर 2, आप में से 5 लकी सब्सक्राइबर जीत पाएंगे अपनी राशि का भाग्यवर्धक लॉकेट, जिस लॉकेट को पहनने से आपके भाग्य में होगी वृद्धि। तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर अवश्य लिख दें और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर अपने कर्मों को और बेहतर बनाएं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं 20-21 दिसंबर मिथुन राशि का राशिफल क्या कहती है आज की भविष्यवाणी, और वीडियो के अंत में बताऊंगा एक महा उपाय, तो पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा चंचल है, लेकिन मिथुन राशि के लिए चंद्रमा 12वें बैठे हैं आज, यानी 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों को रहना है आज सावधान। 12वां भाव व्यय का है, मोक्ष का है, आज आपका मन अशांत रहेगा, आज आपकी खुशियां आपसे दूर रहेंगी, आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने की कोई यात्रा लाभ दे सकती है, या कहें आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमा सकते हैं। आपको विदेश जाने के अवसरों पर भी आज गंभीरता से विचार अवश्य करना चाहिए। आज आप वास्तविकता से परे कल्पनाशील रहेंगे, आज आपके मन में एक डर रहेगा जिस कारण आप भयभीत रहेंगे, आपकी नींद भंग हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, सर दर्द बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, आपको आलस आएगा, क्रोध आएगा, आप ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं और जलन करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं दूसरों से, आपके अंदर अहंकार घमंड आ सकता है जिसके कारण वाणी दोष पैदा हो सकता है, आज आप अपने धन की हानि स्वयं कर सकते हैं, शत्रु हानि पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे तो सावधान रहें, आज आप स्वयं खर्चे करेंगे लेकिन बाद में पछताएंगे, दिमाग में गुस्सा, वाणी पर कटु वचन वैवाहिक जीवन और व्यापारिक जीवन और नौकरी पर बुरा प्रभाव डालेंगे, कम जानकारी के अभाव में छात्रों को असफलता मिल सकती है, आज आप प्रेम संबंधों में विशेष रुचि रखेंगे, आज आप एकांत प्रिय महिला या पुरुष होंगे, आज का दिन शुभ नहीं है, सावधानी से बिताएं। अब बात करते हैं उपाय की। आज के दिन आपको शिव जी की आराधना करना विशेष लाभ देगा, आज के दिन आप किसी शिवालय में जाएं, वहां पे एक लोटा जल लें, उसमें पानी मिलाएं या गंगा जल मिलाएं, और उसमें मिलाएं थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, और साथ में मिलाएं थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला अवश्य जपें, और उसके बाद ही अपने दिन का शुभारंभ करें। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वालों को आज लाभ होगा, भगवान भोलेनाथ महादेव आपके दिन को शुभ बनाएंगे। हरिओम नमस्कार।